मॉर्निंग क्लास 10 हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूं, थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो सुनिएगा, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बताना, ये टू वाटर टैप्स है, मतलब कि जो दो नले हैं और उन दोनों नलों को जब अगर एक साथ खोला जा रहा है तो वो 9 3/8 आवर्स में वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, टंकी टैंक को भर दे रहे हैं। बात समझ आ रही है, टंकी क्या कर रहे हैं, भर दे रहे टैंक को। तो बताना ये है कि टेप लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन, यानी कि लार्जर जो डायमीटर है वो 10 घंटे कम ले रहा है कंपेयर टू स्मॉलर पाइप के। तो हम लोग स्मॉलर पाइप का पर टाइम मालूम होना चाहिए, लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर पाइप टेकन टाइम एक्स आवर, कितना आवर ले रहा है, एक्स आवर ले रहा है, और जो लार्जर है लार्जर पाइप, लार्जर पाइप टेकन टाइम 1/x-10 आवर, यानी 10 घंटे कम ले रहा है। बात समझ आ रही है, स्मॉलर पाइप एक घंटे में भर रहा है तो स्मॉलर जो लार्जर पाइप है उससे 10 घंटे कम ले रहा है। बात समझ आ रही है ना। अब हम लोग आते हैं कि बोला है कि फाइंड द टाइम विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हम लोग को अलग अलग बताना है कि क्या है, तो पहले टुगेदर दिया है कि दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ही घंटा का निकाल ले रहे हैं। स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक इन वन आवर क्या होगा, 1/x आवर, 1/x फिल होगा, और लार्जर जो होगा, लार्जर पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, एक घंटा में दोनों का एक ही घंटा का निकाल दे रहे हैं, 1/x-10 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का जो जोड़ है यानी 1/x और 1/x-10, इन दोनों को टंकी को अगर एक साथ खोल दिया जा रहा है तो हमारा जो टाइम लग रहा है वो 9 × 3/8 लग रहा है। एक लाइन थोड़ा सा यहां पर पहले लिख लेते हैं, टोटल टेकन, क्या लिखते हैं, बोथ पाइप कैन फिल टुगेदर इन 9 × 3/8 आवर। तो इसी को हम लोग अगर करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 8 = 72 और ये 75/8 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, एक एक घंटा का निकालते हैं हम लोग, यह भी पलट जाएगा 8/75, क्योंकि हम लोग का 75/8 था तो एक घंटा का निकाल रहे तो 8/75 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x-10 प्लस एक्स इंटू 75 और यहां पर 8 × x × x-10। (8 × x²-10x) 75 × 2 जाए कितना होगा, 150, और 75 × 10 जा 750। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, 8x², 8×10 = 80x। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कैटेगरी को एक कैटेगरी के साथ कर दे रहे हैं, यानी इन सबको उठाकर उधर कर दे रहे हैं,
तो बचेगा क्या 8x स्क्वायर माइनस 80x, हम लोग 150x और 75 को इधर ला रहे हैं, इधर माइनस 150x और प्लस 750, इधर क्या बचा जीरो, इतना होगा 80 और 150 को जोड़कर 230x प्लस 750। अब हम लोग 750 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, यानी 6000। तो 6000 का हम लोग फैक्टर करते हैं, 6000 का हम लोग क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, आइए फैक्टर करके देखते हैं हम लोग। तो फैक्टर करके हम लोग देखते हैं, तो टू टू जा फोर, तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड, हंड्रेड टू जा टू हंड्रेड, कितना बचा, बचा हमारा थ्री फाइव जा फिफ्ट, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जा थर्टी। अगर हम इन दोनों गुना करते हैं तो थ्री टू जा सिक्स, यानी 6000 आ जाएगा, और 200 में 30 जोड़ते हैं, 200 में 30 जोड़ते हैं तो हम लोग 230 क्या जाएगा, वो हम लोग दो नंबर मिल गया, यानी 200 और 30 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 8x स्क्वायर माइनस 200x और माइनस ही 30, क्योंकि हम लोग दोनों को माइनस ही चाहिए, और यहाँ माइनस 230 है तो माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 750। इधर से कॉमन कर लेते हैं, आइए यहाँ पर कॉमन करते हैं, यहां पर हम लोग 8x कॉमन हो जाएगा, x 8 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x, तो 8 8 की टेबल में कितने बार में 200, 8 की टेबल में 200 आएगा 25 बार में, और इधर भी हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस 30 कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 25, x माइनस 25 बराबर में जीरो। तो यहां पर x माइनस 25 और 8x माइनस 30, ये दोनों हम लोग फैक्टर मिल गए, x माइनस 25 बराबर जीरो एवन ले लेते हैं, और 8x माइनस 30 बराबर जीरो लेते हैं, x का वैल्यू 25 आएगा, इधर x का वैल्यू क्या आएगा 30 बाई 8 आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी हम लोग का जो स्मॉलर पाइप टेकन टाइम है वो 1 आवर है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग को यहाँ 25 आवर मिल चुका है, यानी 25 आवर एक करेक्ट नंबर मिल चुका है, और ये डिवीजन मेथड में मिला था, डिवीजन मेथड को हम लोग नहीं उतना लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, आप ले सकते हो लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है 25 आवर है, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप टेकन टाइम, टेकन टाइम 25 आवर, और लार्जर, लार्जर पाइप टेकन टाइम इन x माइनस 10, यानी कि 25 माइनस 10 15 आवर। ये फ्रैक्शन में इसलिए हम लोग नहीं लिया क्योंकि हम लोग के पास सॉलिड, हम लोग के पास 25 आवर्स हैं, तो इस कारण से हम लोग नहीं लिए। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं। और 30 का जो फैक्टर, सबसे पहली बात की हम लोग 30 का जो 8 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 3 आवर कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो 3 पॉइंट से हम लोग अगर 3 है तो ये 3 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत कम है, ये स्मॉलर है, बहुत ज्यादा ही ये कम टाइम दे रहा है, ये स्मॉलर है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉलर, सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका डिविजन अप्रोक्स 3 पॉइंट कुछ कुछ करके आ रहा है, तो 3 में से हम लोग 10 घटा नहीं सकते, क्यों माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। बात तो समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों की, तो आप इसको थोड़ा सा बात को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो थैंक यू।